बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी कहा जाता है या फिर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी हम इनको बोल सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या है, नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, अब बात हो रही है सॉल्ट्स की, यानी कि इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जा रहा है। तो पहले सॉल्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पहले जनरल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनकी अप्लाइड चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो मैं थ्री कैटेगरीज में सॉल्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सबसे पहला जो है वो होगा हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स हो जाएगा मिक्स्ड सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स। थर्ड कैटेगरी हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स या फिर इनको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। किस तरीके से ये सॉल्ट्स होते हैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है सिंपल सॉल्ट्स। बच्चों सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप का कैटा है और एक ही टाइप का एनायन हमें सॉल्यूशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ NaCl की, तो ये वो सॉल्ट्स होते हैं जिनका कैटायनिक पार्ट यानी कि Na पॉजिटिव, ये कैटायनिक पार्ट ये कहाँ से आएगा, इट कम्स फ्रॉम कहाँ से आएगा, एनायन, सॉरी इट कम्स फ्रॉम बेस, कहाँ से आएगा, बेस से। और ये जो एनायनिक पार्ट है Cl नेगेटिव ये कहाँ से आएगा, इट कम्स फ्रॉम ऐसे। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, कि हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। प्रीवियस क्लासेस में भी हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं वहां पर नहीं जाना चाहूंगा। जनरल प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का, व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद बेस है ना, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट। तो NaCl जो बना है ये किससे बना है, NaOH प्लस HCl के रिएक्शन से बना है। तो जो सोडियम प्लस यानी कि जो कैटालिटिक पार्ट है ये मुझे कहां से मिलेगा, ये मुझे बेस से मिलेगा NaOH से। और जो Cl नेगेटिव मुझे मिल रहा है ये कहां से मिलेगा, एसिड से यानी कि HCl से मुझे मिलेगा। तो सिंपल जो सॉल्ट्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनती हैं, जहां पे बेस से मुझे कैटालिटिक पार्ट ऑब्टेन होता है और एसिड से मुझे एनायनिक पार्ट ऑब्टेन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, सिंपल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जहां पे एक ही टाइप का कैटायन मुझे मिलेगा और एक ही टाइप का एनायन हमें मिलने वाला है। यहां पे सोडियम प्लस मिलेगा और क्लोरीन नेगेटिव मुझे मिलेगा। कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, अनदर एग्जांपल्स जैसे KCl, KCl की अगर बात करें तो यहां पे मुझे K+ एक ही टाइप का कैटायन मुझे मिल रहा है और Cl- नेगेटिव एक ही टाइप का एनायन मुझे यहां पर ऑब्टेन हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं MgCl2, इसमें मुझे Mg2+ कैटायन मिलेगा और Cl- नेगेटिव एनायन मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक ही टाइप का कैटायन मिल रहा है और एक ही टाइप का एनायन यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है। तो ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है सिंपल सॉल्ट्स, जो सिंपल एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, है ना, एक ही टाइप का कैटायन देते हैं और एक ही टाइप का एनायन देते हैं। कैटायन कहाँ से आता है, कैटायन बेस से आता है और एनायन कहाँ से आता है, वो आता है एसिड से हमारे पास, समझ आया। नेक्स्ट दूसरा सॉल्ट है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट कौन से सॉल्ट्स होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं बच्चों, मिक्स का मतलब क्या हो गया, मिक्स कर रखा है, यानी कि दो टाइप के सॉल्ट्स को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स करेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट को, तो मुझे मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन ऑब्टेन होने चाहिए, है ना, लॉजिकल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल KCl * MgCl2 * 6H2, ये हमारा एक मिक्स सॉल्ट है, इसमें मैंने KCl इसको मिक्स किया है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो देख पा रहे हो मुझे मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन देखने को मिलेगा, कैसे, एक तो K+ मिलेगा यहां से और यहां से मिलेगा Mg2+, कब मिलेगा, जब मैं इस सॉल्ट को सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूंगा। जैसे ही डिसोल्व करेंगे यहां से मुझे मिलेगा K पॉजिटिव और यहां से मुझे मिलेगा Mg2+, यानी अगर इस सॉल्ट की मुझे टेस्टिंग करनी हो तो टेस्ट करेंगे तो ये K पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि इन दोनों अलग-अलग आयंस के मिलने से पूरे होल सॉल्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही है, दोनों के लिए ही पॉजिटिव टेस्ट यहां पर मिलने वाले हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो मिक्स सॉल्ट होते हैं यहां पर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटायन
anion remains unchanged. Remains unchanged. यहाँ पर unchanged रहेगी, है ना? दोनों के लिए मुझे टेस्ट क्या है? पॉजिटिव मिलने वाले. कुछ और एग्जांपल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम एलम ले सकते हैं, फिटकरी जो घर में कॉमनली यूज होता है. क्या होगा फॉर्मूला? Al2SO4 whole thrice into 24 H2. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एलम, यानी कि फिटकरी. ठीक है, अब ये भी एक मिक्स सॉल्ट है, इसमें मैंने पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिक्स किया है. तो जब इन दोनों को मैं टेस्ट करूंगा, इस सॉल्यूशन को जो मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, सॉल्ट को तो ये मुझे K+ भी देगा सॉल्यूशन में और एल्युमिनियम 3+ भी देगा, यानी कि ये दोनों ही टाइप के आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा. कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में, मिक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ एनायंस को देते हैं सॉल्यूशन के अंदर. और सिंपल सॉल्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन मुझे सॉल्यूशन में देते हैं. थर्ड हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की. थर्ड हमारा है कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स या फिर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस या फिर हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं. इस चैप्टर के अंदर हम यही वाले कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों. इस तरीके से देखिए, मैंने लिखा FeCl whole twice plus 4KCl. इसको मैंने रिएक्ट कराया, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा K4FeCl whole 6. इस टाइप के कंपाउंड जो आपको लार्ज ब्रैकेट में देखने को मिलते हैं, इन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. देखिए, इस कंपाउंड के अंदर इनको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, ये जो लास्ट ब्रैकेट मुझे दिख रहे हैं, ये क्या चीज है. तीसरा क्वेश्चन कि अगर मैं इन्हें सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूं, तो जैसे मुझे यहां पर सिंपल एनायंस और कैटायंस मिल रहे थे, वन टाइप के मिल रहे थे, मिक्स में मोर देन वन टाइप के मिल रहे थे, यहां पे क्या मुझे मिलने वाला है इनके एक्वस सॉल्यूशन. पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस क्यों कहा. कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इसलिए कहा क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. क्या क्या स्पीशीज है देखिए, ये जो लार्ज ब्रैकेट मुझे दिखा है, ये लार्ज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर जो भी स्पीशीज आएगी वो आयनाइज नहीं होती, वो आयनाइज बिल्कुल नहीं होती, वो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, डिसोसिएट नहीं होते. कैसे, अगर मैं इनको कंपेयर करूं इन दोनों चीजों को, देखिए अगर इस सॉल्ट को मैं सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट करता हूं, मैंने इसको सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4K+. यहां से ये और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एज इट इज अलग सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा और ये डिसोसिएट नहीं होने वाला इस तरीके से. तो मुझे यहाँ पर मिला एक तो सिंपल कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन. सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन सॉल्यूशन में ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा. यानी अगर ऐसे सॉल्ट्स का मैं टेस्टिंग करूँ सॉल्यूशन में, तो मुझे सिर्फ के पॉजिटिव के लिए ही पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, आयरन के लिए और साइनाइड मॉलिक्यूल के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते, ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट फर्दर नहीं होते, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोला गया है कि सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे. तो यहां पर जब इनकी आयनाइजेशन होगी, इनके आयनाइजेशन पे एक तो K+ मुझे मिल रहा है सिंपल कैटायन और एक मिल रहा है कॉम्प्लेक्स एनायन. अब यहां पे ये मुझे कॉम्प्लेक्स एनायन मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कॉम्प्लेक्स कैटायन मिले, ऐसा भी हो सकता है देखने को कि मुझे पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल मिले, ना तो कोई कैटायन मिले और ना ही कोई एनायन मिले, है ना बच्चों. तो ये भी बात हो सकती है इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की. दूसरी बात रही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है. ये जो बाहर पोटेशियम आपको दिख रहा है, ये काउंटर आयन है जो कि आयनाइजेबल है, इसलिए सॉल्यूशन में इसके आयंस मुझे मिल रहे हैं, ये आयनाइजेबल स्पीशीज है. और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया वो नॉन आयनाइजेबल स्पीशीज है. तो इस नॉन आयनाइजेबल स्पीशीज के अंदर मुझे दो चीजें देखने को मिल रही है, कौन कौन सी. फर्स्ट ये आयरन, आयरन एक सेंट्रल मेटल है और यहाँ पर साइनाइड जो है, इस साइनाइड को कहा जाता है लिगेंड्स का जो, है ना. ये क्या चीज है, ये एक ऐसी स्पीशीज है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आयरन को डोनेट करेगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी. यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुझे देखने को मिलेगा आयरन और साइनाइड के बीच में. साइनाइड अपना लोन पेयर देगा आयरन को, कैसे देगा वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का. तो ये हमारे पास सॉल्ट्स हो गए, सिंपल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स.